सबका हृदय जीत लो आचरण से, सबका हृदय जीत लो आचरण से, जैसे कि मधुगंध वातावरण से आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतकरण से। अगर अंतकरण से आशीर्वाद दे दिया जाए तो शहर बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की उच्च सदन की बागडोर जिनके हाथ अनेक वर्षों तक संभाली ऐसी विद्वान विदुषी आदरणीय डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी हम सबके बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर, हम सबका यह सौभाग्य है कि अल्लाह ताला ने हमें यह दिन दिखाया। 4 दशकों तक लंबी पारी मुस्लिम महिलाओं का, जब सकारात्मक चेहरा की बात अगर दुनिया में कहीं होती है तो सबसे पहला चेहरा डॉक्टर साहिबा का आता है। आज 16 वर्ष 1986 से लेकर 2012 तक राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन रहने के बाद आप दिल्ली में रहकर कार्य नहीं करती हैं, आप दिल्ली से हैदराबाद आकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठकर तालीम की ताकत के प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति रखकर अपने विचार जब यहाँ पर रखती हैं तो हम सबको बहुत ही गर्व होता है, अभिमान महसूस होता है। हवा चले ना चले लोग इंतज़ार में हैं, खुली हुई हैं अभी खिड़कियाँ मकानों की। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आपका इस शहर में आना, द सिटी विल बी ब्लेस्ड बाय योर विजिट। अत्यंत मिलनसार सहज आदरणीय डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी से मैं अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। वो जब वहाँ से यहाँ तक आएँ तब तक तालियों की गूंज बजती रहे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी का। बड़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे मालूम है, काफ़ी तकरीरें हुई हैं। आपने अभी मेरे साथी जो मुझे आपा कहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब का बयान सुना, उन्होंने मुझसे कुछ मांग करी है, मैं तकरीर में बता दूंगी। जस्टिस इकबाल साहब, कराट साहब, कविता नहीं रही मगर चली गई किसी मीटिंग के लिए, पर बहुत अच्छा बोली, मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। मौलाना साहब, आप तो आए थे मुझे मिलने जब आपके बच्चे ने, आपके मदरसे के बच्चे ने जब पास किया था एग्ज़ाम सर्विसेज का, IAS का, मैंने आपको मुबारकबाद भी दी थी। सरेश वाला साहब, जो आज इस महफिल की क्या कहूँ, दूल्हा कहूँ कि बानी कहूँ कि अपना छोटा भाई कहूँ, ये बड़े परस्यूसिव है। जब भी एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, काम करते रहते हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देने वाली हूँ कि भले ही वो उर्दू न जानते हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उर्दू के लिए उनके दिल में मोहब्बत है, शायद इसीलिए उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया। आपके वाइस चांसलर साहब को तो मैं बहुत साल से जानती हूँ, दिल्ली से। हैदराबाद में मेरे आने का कोई पहला मौका नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आई। 2 वजह से, एक तो ये यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे कायम की गई है, मैं उसके रिश्ता रखती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ख़ानदान में पैदा किया जो तालीम की ताकत को समझते थे। और आज का जो मौजू है वो भी ऐसा है कि किसी भी तालीम से मोहब्बत रखने वाले, जिसने तालीम हासिल की हो उसको यहाँ आके यकीनन खुशी होगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत टीचर के तौर पे शुरू की। मेरी PhD करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, हालांकि मैं साइंस में PhD की, जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया,
और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में तो मैं सबसे कम उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, जब मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। और उसके बाद मैंने वहीं पढ़ाना शुरू किया। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी क्या तनख्वाह थी तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मुझे 275 रुपये तनख्वाह महीने में मिलती थी पढ़ाने की, पीएचडी करने के बाद। मगर मैं कुछ और भी कर सकती थी, रिसर्च कर सकती थी, मगर मुझे शौक था पढ़ाने का। और ये शौक मुझे विरासत में मिला था। मेरी खाला, जिन्होंने मुझे उर्दू की तालीम दी, वो उर्दू की टीचर थी। स्कूल तक उर्दू पढ़ी, मगर उर्दू उन्होंने घर में जो पढ़ाई, शायद वही मेरी बुनियाद है कि जब दीवाने गालिब एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ा दिया। उस जमाने में स्कूलों में भी उर्दू भोपाल में पढ़ाई जाती थी। ये तो मुझे मेरी खाला से विरासत मिली, मगर मेरी विरासत उससे और भी पीछे की है। मेरी दादी, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बड़ी बहन थी, उनके वालिद ने जो तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दी, वही अपनी लड़कियों को भी दी। कोई तफरीक नहीं रखी लड़की और लड़के की तालीम में। और उसी वजह से मुझे लगता है कि शायद हैदराबाद की कोई तालीम निस्वा की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें भोपाल की आखिरी फरमारवा सुल्तान जहां बेगम ने उनको यहां देखा, उनसे मिली और उनको भोपाल, कलकत्ता से भोपाल आने की का न्योता दिया और कहा कि अपने ख़ानदान के साथ यहाँ आओ, आपके शौहर को भी यहाँ नौकरी मिलेगी और आप लड़कियों की तालीम की बाग दौड़ भोपाल में संभालो। आपको शायद ये भी मालूम ना हो कुछ लोगों को कि भोपाल में 4 पुश्तों तक औरतों की हुकूमत थी और जो आखिरी फरमारवा थी सुल्तान जहां बेगम, वो ख़ास तौर पे मेरे सामने बच्चियां बैठी हैं, लड़कियों की तालीम के बारे में उनको बहुत एहसास था और उन्होंने बहुत कुछ काम किए और इन्हीं की वजह से आज मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं भोपाल में पैदा हुई। हमारे स्टेट में हमेशा से लड़कियों की तालीम फ्री थी। मैंने एक पैसा भी पीएचडी तक खर्चा नहीं किया। कॉलेज की एजुकेशन भी फ्री थी, स्कूल की एजुकेशन भी फ्री थी, ऊपर से स्कॉलरशिप जो मिलता था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का, वो अलहदा। तो मेरे दिल में तालीम की इज्जत है, कदर है, अहमियत है और मैं ये जानती हूँ कि मैं आज यहाँ जो कुछ हूँ वो सिर्फ मेरी काबिलियत और तालीम की वजह से हूँ। सरेशवाला साहब ने ये एक बेड़ा उठाया है, मैं उनसे पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि ये उनका 15वां पड़ाव है, ये अलग अलग जाके अलग अलग शहरों में अलग अलग सामीन के सामने तालीम की ताकत की बात करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। और आज उन्होंने जब मुझे फ़ोन पे कहा
पिछले हफ्ते कि मैं यहाँ इतवार के दिन आज की तारीख में ये तालीम की ताकत का जो कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें आप आइए, तो मैंने बिला पसुपेश कहा मैं ज़रूर आऊँगी और मुझे खुशी है कि न सिर्फ अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी, हर नज़रिए से राय दी, कुछ पॉलिटिकल राय दी, एक जज की राय भी जज साहब ने दी, और वो जिस जगह से आते हैं मुझे पता लगा कि साहब रांची से आते हैं, तो जिसके नाम के इदारे में आप बैठे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वहाँ 3-4 साल नज़रबंद थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल ही मैंने ये तय किया है कि जो मदरसा और स्कूल उन्होंने वहाँ कायम किया था, मैंने हमारे कल्चर मिनिस्टर को लिखा है कि वो उसको हमारी नेशनल धरोहर का ऐलान करें, उस जगह को, उस मदरसे को, उस स्कूल को, और हम सारा खर्चा हमारा मंत्रालय उसका उठाएगा, उन्हें सिर्फ अनाउंसमेंट करना है। हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सब प्रोग्राम हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो से हमने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा अहमियत तालीम पर दी गई है और लड़कियों की तालीम पर। मैं यहाँ कहना चाहूँगी आपकी इत्तला के लिए, 86 लाख स्कॉलरशिप हम हर साल बांटते हैं, जिसमें से 46% लड़कियों को स्कॉलरशिप जाता है। लोग तो 33% की बात करते हैं, हम लड़कियों को 46% स्कॉलरशिप देते हैं, और मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप की अलग हमारी स्कीम चलती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मींस आपने बात करी डिप्टी सीएम साहब, मैं समझती हूँ आपके दर्द को। मैंने ये बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कही, हमारे मंत्रालय के स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन नहीं है, SC ST के स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन है, हर एक को मिलता है। हमारे स्कॉलरशिप हम नीचे स्तर से ऊपर देते हैं, जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए हो सालाना, 1.5 लाख रुपए हो, 2.5 लाख रुपए हो, तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस, उस लिहाज से हम स्कॉलरशिप देते हैं। मगर मैं कोशिश करूंगी और मैं आपकी और जफर सरेशवाला की भी इसमें मदद चाहूंगी। यूं तो इस सरकार ने हमारा बजट नहीं काटा, हालांकि 14 फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात से स्टेट का बजट बढ़ा दिया, 10% स्टेट का बजट, सब स्टेट का बजट बढ़ा है, बहुत से मंत्रालयों की कटौती हुई, मगर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्रालय में कोई कटौती नहीं की बल्कि बढ़ोतरी करी, हमारा बजट बढ़ा दिया। और जो भी हम स्कीम लेके जाते हैं वो स्कीम हमारी पास हो जाती है, उसका अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर बजट में करते हैं, चाहे वो उस्ताद की स्कीम हो, चाहे वो एवरलास्टिंग फ्लेम की हो, चाहे नई मंजिल की स्कीम हो। मौलाना आज़ाद की बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं,
मैं अपनी जिंदगी में उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनके खानदान से नहीं पैदा होती तो शायद मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलती, क्योंकि कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम था, मैं पिछली पार्टी में जहाँ थी, कि ये मौलाना आज़ाद का नाम इसलिए लेती हैं कि अपने को प्रमोट कर रही हैं। मैंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने तस्करे में लिखा है कि अगर वो फ़ख्र करना चाहते तो उनके ख़ानदान में दुनिया के 3 ख़ानदानों का इम्तराज था, मगर उन्होंने कभी अपने ख़ानदान की दुकान सजा कर बेचना नहीं पसंद किया। मैं उन्हीं के नक्श कदम पे चल रही हूँ। जब मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पढ़ा, पास किया, तो मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, मगर मैं बन नहीं सकी क्योंकि मैं अंडर एज थी। मैं 16 साल की थी, 17 साल की उम्र होना चाहिए थी। तो मैंने उनको ख़त लिखा। पहले ख़त का उनका ये जवाब था कि तुम अगर डॉक्टर बनना चाहती हो तो ज़रूर बनो, मगर इस बात का ख्याल रहे कि जो तुमने इल्म हासिल किया है उससे लोगों की खिदमत हो, ये ना हो कि शादी के बाद तुम अपने इल्म का इस्तेमाल ना करो। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और बच्चा जो उस जगह पर, उस सीट पर तालीम हासिल करके लोगों की खिदमत करता, उसका नुकसान हो। इत्तेफाक की बात है कि मेरी एज कम थी और मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। तो फिर उन्होंने मुझे लिखा कि तुम आला आगे तालीम हासिल करो, जितनी भी तुम्हें हासिल करनी है, मगर इस बात का ध्यान रखो कि जो कुछ भी इल्म हुनर तुम हासिल करो उसमें अपने आप को माहिर करो, कि लोग तुमको तुम्हारे इल्म हुनर की वजह से पहचाने, ना कि इस वजह से कि तुम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। तो मैंने कभी अपने ख़ानदान की विरासत की भी दुकान सजाकर बेचने की कोशिश नहीं की। मैं यही कहती थी कि इंसान को अपना रास्ता ढूंढने के लिए सर्च लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से चिराग की रोशनी भी इंसान को रास्ता दिखा सकती है। और दुनिया के तमाम अंधेरों को, दुनिया के तमाम अंधेरे भी अगर चाहें तो उस छोटे से चिराग की रोशनी को बुझा नहीं सकते। यही उसूल मेरी ज़िंदगी का है। मेरे नाम से तो कहीं आज़ाद का दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं लगता। नजमा हिब्तुल्ला तो सब समझेंगे मैं भी गुजरात की हूँ। ये भी सही है कि मेरे शौहर गुजरात के थे, इस बात से भी मैं खुश हूँ कि सरेश वाला मेरे ससुराल के हैं। अगर ये गुजराती बोलते हैं और उर्दू के यहाँ चांसलर हैं, तो मैं उर्दू जानती हूँ मगर गुजराती बोलना भी मैंने सीख ली है। कभी कभी मैं उनसे गुजराती में बात करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में ज़बान अहम होती है लोगों के लिए, मगर जो दिल की ज़बान होती है, जो इंसान दिल से बात कहता है, उसको किसी ज़बान की क़ैद नहीं होती। उसके एहसास, उसके जज्बात लोगों तक पहुंच जाते हैं, चाहे किसी ज़बान में भी बोले। उर्दू ज़बान तो हमारे मुल्क की पैदावार है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बढ़ी, उसकी तरक्की के लिए जितना भी कुछ किया जाए कम है। मगर उसके साथ साथ हमको उन दूसरी ज़बानों को भी सीखना चाहिए
क्योंकि अपने इल्म को महदूद नहीं रखना चाहिए। आज दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है। मौलाना आज़ाद ने सन 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी मिनिस्ट्री की डिमांड्स और ग्रांट्स के लिए बोलते हुए कहा था कि जिन हालात से हमारा मुल्क गुजरा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान में यूनिवर्सल एजुकेशन का निज़ाम बनाएं, और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन डिफेंस का बराबर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने नई आज़ाद मुल्क की नस्ल को तालीम में आगे बढ़ाना है। और यही बात एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट गिलबर्ट ने कही, जो कि हिंदुस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर भी थे और बड़े इकोनॉमिस्ट थे, कि हमने ये गलत सोचा था कि हम इकॉनमी के ज़रिए तरक्की कर सकेंगे, हम बग़ैर तालीम के मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। और परसों मैं पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब लोगों को खिताब कर रहे थे, ई रिक्शा बांट रहे थे, तो उन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि तालीम ही हमारी गरीबी को दूर कर सकती है, खाली स्लोगन्स गरीबी को दूर नहीं कर सकते, हमें तालीम के लिए इकदामात करने हैं। मौलाना आज़ाद ने एक और बात कही थी, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी की बुनियाद उन्होंने रखी। उस ज़माने में 20 के करीब यूनिवर्सिटियां थीं, कुछ कॉलेजेस थे। आज ये बड़ी हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं और 35,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, डीम यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं। उन्होंने एक बात और बहुत ज़रूरी कही थी कि मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि मेरे मुल्क के नौजवान आला तालीम हासिल करने हिंदुस्तान से बाहर जाएं, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के इदारे इस हैसियत के हों, इस दर्जे के हों कि दुनिया से लोग इल्म हासिल करने हिंदुस्तान आए। जैसा कि कदीम ज़माने में नालंदा और तक्षशिला में होता था, दुनिया से लोग इल्म हासिल करने आते थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जैसा कि अभी दो लोगों ने उस बारे में कहा कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो तो चीन जाओ, चीन से इल्म हासिल करने नालंदा और तक्षशिला में लोग आए। अरब में हिंदुस्तान की एक अपनी ही कदर थी उस ज़माने में, हुजूर अकरम के ज़माने में। वहाँ हिंदा नाम बड़ा अच्छा माना जाता था। खुद रसूलुल्लाह के रिश्तेदार का नाम हिंदा था।
लिए। तो मैं जज साहब को बताऊं कि मैं, आपने खुद ही जिक्र किया, मैं पटना में गई, दो बार जा चुकी हूँ बिहार। मैं पटना गई, पहले वहाँ मैंने स्किल डेवलपमेंट का शुरू किया काम, कि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट इसलिए नहीं हो जाते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि उनके वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं, उसरत की वजह से उनको काम में लगा देते हैं। हमने उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स बनाया, उनको स्किल डेवलप थी किसी इंटरव्यू में कि मैं चाहता हूं कि मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर। वो बात मुझे अच्छी लगी थी, मुझे जब मालूम नहीं था कि मेरे जिम्मेदारी माइनॉरिटी की दे दी जाएगी, 6 माइनॉरिटीज मेरे मंत्रालय में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन में भी उनकी तादाद है, तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है उस पर। और यही बात मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भी कही कि तुम कोशिश करो। भी मिलना उनका हक है एक हिंदुस्तानी की हैसियत से। तो मैं पटना में गई, सबसे पिछड़े इलाके में, मुस्लिम इलाके में, मदरसे में, और मैं अकेली नहीं गई, नरेंद्र मोदी की सरकार के एक मिनिस्टर को भी साथ लेकर गई, राधा मोहन सिंह को जो बिहार के हैं, जो मोतिहारी से एमपी हैं, और मोतिहारी में भी आपको मालूम है कि ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। और मैंने उस मदरसे से कंप्यूटर के ज़रिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 मदरसों में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ खोला, और पटना में भी हमने उस मदरसे में खोला लड़कियों और लड़कों को स्किल डेवलपमेंट के लिए और तालीम के लिए।
हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे नीची तब इकाई जो है वहाँ तक जाएं, उन तक पहुँचाएं। आज यहाँ आने का, और मैं समझती हूँ जो जफर भाई ने किया है, मकसद ये है कि ज़िंदगी में हमें अगर खुदा ने ये मौका दिया है कि हमें तालीम की रोशनी हमारे दिमागों को मिली, कहीं कहीं हमारा फ़र्ज बनता है कि ईच वन टीच वन की, या एक चिराग से दूसरा चिराग जलाने के काम में हम सब शामिल हों। तो इसलिए आज पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है कि वो जानते हैं तालीम की ताकत को, पर ये ताकत ऐसी है जो बांटने से कम नहीं होती, बांटने से बढ़ जाती है। सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, कभी तालीम इल्मी ख़त्म नहीं होती। किसी उम्र में अगर कोई ये कहे खड़े होके कि मैंने सब इल्म हासिल कर लिए, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि बहुत से ऐसे इल्म हुनर हैं जो बहुत ही पढ़े हुए लिखे हुए लोगों को भी नहीं होते हैं। तालीम की अहमियत पर काफ़ी तकरीरें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मंत्रालय क्या कर रहा है इस सिलसिले में। मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं, हमारी मानस की स्कीमें, मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स। मैं बार बार मौलाना आज़ाद का नाम हमेशा लेती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की एक मुस्तहकम बुनियाद तालीम की नहीं रखी होती, तो आज हमारे मुल्क में 600 यूनिवर्सिटियाँ और 35,000 सुपर कॉलेज नहीं होते। और अफसोस की बात है, मैं आपके सामने ये कहना चाहती, अफसोस की बात है कि उनके इस कंट्रीब्यूशन को, उनकी इस देन को, उनकी सोच को लोगों ने याद नहीं किया, ना हुकूमत ने याद किया, ना आवाम ने याद किया। कभी उनको इस बात का रिकग्निशन पिछली सरकारों ने नहीं दिया कि उन्होंने क्या किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मौलाना आज़ाद ने बनाया, IITs की बुनियाद उन्होंने रखी, हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन बनाए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, उन्हें अपने हिंदुस्तान के कल्चर पर बड़ा फख्र था। वो कहते थे कि सैकड़ों साल की मिली जुली तहजीब ने हमारे मुल्क को एक रंगारंगी तहजीब दी है, हमें उस पर फख्र है। वो ये भी कहते थे, और 1940 में उन्होंने ये कहा था रामगढ़ सेशन में बिहार में, कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और इस अजीम हिंदुस्तान के बनाने में मेरा भी अंसर है, और मैं अपने इस हक से कभी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क के सैकड़ों नौजवान हैं वो इल्म हासिल करें, हुनर हासिल करें, अपने को माहिर बनाएं, ताकि वो अपने इल्म और हुनर की वजह से पहचाने जाएं, और वो ये फख्र से कहें कि इस अदीम हिंदुस्तान की तरक्की में हमारा भी हिस्सा है। जो बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, जब एक विकासशील हिंदुस्तान बने, एक ऐसा हिंदुस्तान बने कि जहाँ हुनरमंदों की कदर हो, जहाँ जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं स्किल्ड इंडिया बने, दुनिया के नक्शे पर अपना मुकाम हो, तो हम भी फख्र से कहें कि इस अजीम हिंदुस्तान के बनाने में, इसकी तरक्की में हमारा भी हिस्सा है। मैं ये चाहती हूँ,
तालीम आपको खुद मुख्तारी देती है, तालीम आपको एतमाद देती है। वो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, एतमाद, अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस आप अपने में पैदा कीजिए। मौलाना साहब ने यह भी कहा था पार्टीशन के बाद, वो तो पार्टीशन के खिलाफ थे, उनकी बात नहीं सुनी। बहरहाल हम घड़ी को बदल नहीं सकते, जो हालात हैं हमें उसी में बेहतर तरीके अपनाने हैं। उन्होंने कहा था कि तुम तादाद में ज़रूर कम हो मगर किसी से कमतर नहीं हो। आप भी किसी से कमतर नहीं हैं। तो ये एहसास, ये खुद एतमादी पैदा के, ये सिर्फ इल्म से आती है, हुनर से आती है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत हैं मगर उनका स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए हमारे मुल्क से बच्चे बाहर जाते हैं। आपके हैदराबाद से भी बहुत बच्चे जाते हैं, तेलंगाना के बहुत बच्चे मुझे अमेरिका में मिलते हैं, यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे, पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं मेजॉरिटी के भी जाते हैं, केरला से जाते हैं। क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए? इसलिए कि उनको यहाँ मौके नहीं मिलते, वो इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते जो मिलना चाहिए, इसलिए वो बाहर जाते हैं। आज ज़रूरत है हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने की कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यही बच्चे जो हमारे मुल्क से जाते हैं ये दुनिया में नोबेल लॉरिएट बनते हैं, बड़े से बड़े इनाम हासिल करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएं कि हमारे बच्चे यहीं पर रह के मुल्क के लिए खिदमत करें, कंट्रीब्यूट करें। एक बात मैं आखिरी यहाँ कहना चाहती हूँ मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से। उन्होंने कहा था किसी मुल्क की तरक्की, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी मुल्क की तरक्की इस बात से नहीं नापी जाएगी कि वहाँ कितने इंस्टीट्यूशंस हैं या कितने कारखाने हैं या कितनी सड़कें हैं, बल्कि इस बात से नापी जाएगी कि उन इंस्टीट्यूशन के पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा है। दैट क्वालिटी ऑफ माइंड वी हैव टू डिवेलप, अ फ्री थिंकिंग माइंड, ऐसा दिमाग जो खुला हुआ दिमाग हो, जो तरक्की की बात करता हो, जिसकी सोच ऊंची हो। आज हमें ऐसे दिमाग पैदा करने हैं, ऐसे जहन पैदा करने हैं, ऐसी सोच पैदा करनी है। मैं सुरेश वाला साहब को और यहाँ सब लोग बैठे हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ इतनी अच्छी मीटिंग का इंतज़ाम किया। उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप मुसलसल 3 बजे से हम लोगों के भाषण सुन रहे हैं। आप में बहुत बर्दाश्त की ताकत है, इसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ अभी शुक्रिया की रस्म भी होने वाली है, आपको एक और सुनना पड़ेगा। मगर मैं समझती हूँ, मुझ में तो बर्दाश्त की ताकत है, मैं तो 17 साल तक सबके भाषण ही सुनती रही चुपचाप। मगर आप अवाम में अगर हो या आपकी दिलचस्पी है, आप पे कोई मजबूरी नहीं थी, आप जा सकते थे, मगर मुझे लगता है कि ये आपका कमिटमेंट है, आप सुनना चाहते थे कि तालीम के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक ही बस ख्वाहिश है कि जब आप यहाँ से निकले तो ये ना कहिएगा कि बड़े अच्छी तकरीरें हुई और बात ख़त्म हो गई, कल का दूसरा दिन आ जाए। आप कोशिश करिएगा अगर हम में से 1-2-3 बच्चों को भी तरगीब दे सके, कुछ कर सके, समझा सके, तो मैं समझती हूँ कि सुरेश वाला साहब की मेहनत भी कारगर हो गई, सबके भाषण भी जिन्होंने अपने तरीके से बताया, चाहे वो बैंक की तरफ से हो,
चाहे पॉलिटिशियन की तरफ से हो, चाहे डिप्टी सीएम ने कहा हो या मैंने कहा हो, आपको मैसेज करेक्ट मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।